गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग देखेंगे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज ड्यूरिंग द इंटरफेरेंस, और दैट इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ द फ्रिंज। इसको कई बार हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। यहाँ क्या है कि दो कोहरेंट सोर्स आपने लिया, S1 एंड S2 आर द कोहरेंट सोर्स, और इस कोहरेंट सोर्स से दोनों सेकेंडरी सोर्स के रूप में बिहेव कर रहा है, और द वेव विल प्रोपोगेट टू द पॉइंट P। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? X डिस्टेंस। अभी देखो हम यहाँ लिख रहे हैं कि S1 एंड S2 ये दोनों क्या है, दीज आर द कोहरेंट सोर्स, आर कोहरेंट सोर्स, कोहरेंट सोर्सेज। S1, S2 क्या है? कोहरेंट सोर्सेज है। और यहां से S1 से जो डिस्टेंस P पॉइंट का ले रहे हैं वो दैट इज द X डिस्टेंस है, और S2 से जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं वो कितना हो गया, X प्लस डेल्टा X डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो यहां पे बात कर रहे हैं, यहां नहीं लिख करके हम इसको कहां लिख दें, बगल में यहां पर X प्लस डेल्टा X दैट इज द डिस्टेंस। नाउ यहां S1 से एक नॉर्मल ड्रॉ करो टू द S2P, इस लाइन पे जो S2P डिस्टेंस है उसमें नॉर्मल आपने ड्रॉ किया S1 से, एंड नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री आप यहां देख रहे हैं बनाया हुआ है 90 डिग्री। अभी S1 से लेकर के सर्टेन दूरी जो आप ले रहे हैं, मान लो यहां पे A पॉइंट कंसिडर किए, यहां पे B पॉइंट कंसिडर किए, ठीक है, तो A पॉइंट जो आप कंसिडर किए उसका स्लिट की डिस्टेंस को हम कंसिडर कर रहे हैं। यहां पे स्लिट का डिस्टेंस हो गया, दो स्लिट जो आप, जो सोर्स जो आप ले रहे हैं S1 S2, और इसमें जो स्लिट का डिस्टेंस है दैट इज द D डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं? D डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का दूरी आपने कितना लिया, D डिस्टेंस लिए। अभी ये सेंटर जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है वहां पे देख रहे हैं, क्योंकि यहां से जो डिस्टेंस जाएगा S1 से लेकर के O तक जो डिस्टेंस जाएगा, और S2 से लेकर के O तक जो डिस्टेंस जाएगा, दोनों सेम डिस्टेंस मूव करेगा, तो यहां ब्राइट फ्रिंज बनेगा। तो ये दूरी कितना होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस आपने क्या लिया है और क्या लिए हो, दैट इज द डी बिटवीन द S1 एंड S2, जो सोर्स है दोनों सोर्स के बीच का दूरी कितना है, डी है। अब यहां पे हम मान लेते हैं, सपोज करो कि इट इज द सी पॉइंट, ये क्या है, सी पॉइंट है, सो CO या सी से लेकर के यहां पर OA का दूरी कितना हो गया, दैट इज द D/2, और फिर OB का डिस्टेंस भी कितना हो गया, दूरी कितना है, D/2। सो दिस इज द अरेंजमेंट। अभी हमको क्या निकालना है, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो उसका पोजीशन क्या क्या है, किस पोजीशन पे ब्राइट है, किस पोजीशन पे डार्क है। तो हमको यहां पे पाथ डिफरेंस को देखना है, और पाथ डिफरेंस या बोल सकते हैं कि पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स में, जो एक वेव S1 से निकल रहा है, एक वेव S2 से निकल रहा है, उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, तो S2N यहां से ये पाथ डिफरेंस हो गया डेल्टा X, डेल्टा X इज द पाथ डिफरेंस। अब देखो यहां पे एक चीज और बता रहे हैं कि ये जो पास डिफरेंस, ये यहां पर अगर 90 डिग्री है तो ये भी एंगल का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, अभी आगे बात करेंगे। तो ये अरेंजमेंट है। अब हमको यहां पे पाथ डिफरेंस निकालना है डेल्टा X, दैट इज द पहला काम करेंगे हम लोग, पोजीशन कैलकुलेट करेंगे, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज का पोजीशन लेना है, फिर एंगुलर पोजीशन कंसिडर करेंगे, और फिर फ्रिंज विड्थ लेंगे, मीन्स दो सक्सेसिव ब्राइट और डार्क के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड विड्थ, ठीक है। तो ये अभी हम लोग यहां पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको निकालना है पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज। तो ऐसे में पोजीशन डिफरेंस कितना है, दैट इज द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस यहां पर हम लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज, द वेव प्रोपोगेटेड फ्रॉम द टू सोर्सेज, पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, फ्रॉम टू सोर्सेज, यहां आप लिख सकते हैं द वेव फ्रॉम द टू सोर्सेज। ऐसे में पाथ डिफरेंस हो गया डेल्टा X इज इक्वल टू, यहां कितना हो जाएगा, S2P माइनस S1P, इसको हम लिख सकते हैं S2P माइनस S1P, और ये रिलेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब यहां पे पहले S2P निकाल लेते हैं, फिर S1P, और देखो S2P निकालने के लिए हमको यहां पे क्या मिल रहा है, कौन सा ट्रायंगल, S2PB, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, दैट इज द एस टू पी बी। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिएगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यहां पर ऐसे हो गया एस टू पी दिस इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं या यहां पर स्क्वायर नहीं कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा। रूट में आप पहले दिखा दो, रूट में ही लिख देते हैं, दैट इज द इन द रूट, रूट में कितना आ गया एस टू बी का होल स्क्वायर प्लस एस टू, यहां पर आ गया बी, ये हो गया बी पी का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, बी ओ से लेकर के जो लीनियर पोजीशन आप ले रहे हैं पी पॉइंट का, वो वाई डिस्टेंस तक है, ओ से लेकर के वाई तक वाई डिस्टेंस कंसीडर किए, लीनियर पोजीशन जो ओ से पी तक का लीनियर पोजीशन वाई कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वाई क्या है, वाई को एक कंपोनेंट वाई में देख रहे हैं, इसलिए वाई कंसीडर किए। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो एस टू पी दैट इज इक्वल टू, यहां पर इसको हम लिखेंगे एस टू बी होल स्क्वायर प्लस बी पी होल स्क्वायर, और ये हो गया हाफ, रूट की जगह पे हाफ कर दिए। अब ऐसे में अब एस टू पी के या एस टू बी का वैल्यू कितना है, डी के बराबर है, इसको अब यहां लिख सकते हैं एस टू पी दैट इज इक्वल टू, यहां आ गया डी का स्क्वायर प्लस, और ये कितना दूरी हो गया BP, कितना दूरी हो गया BP दैट इज द y प्लस डी डिवाइड टू, डिवाइड टू कितना है, टोटल लेंथ, टोटल जो स्लिट का डिस्टेंस है वो d है, तो हाफ हो गया फ्रॉम द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन से हाफ नीचे हो गया डिवाइड टू, हाफ ऊपर हो गया डिवाइड टू। तो ऐसे में हम इसकी जगह पे रख दिए BP के जगह पे y प्लस डिवाइड टू एंड दिस इज द होल स्क्वायर, और ये हो गया हाफ। अब इस रिलेशन को हम आगे देख रहे हैं, यहां पे ये एस टू पी के जगह पे, अब डी को हम बाहर ले लेंगे, यहां पे एस टू पी इज इक्वल टू डी बाहर कर दिए, अब ये वैल्यू हो गया वन प्लस, यहां हो गया वाई प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, और यहां हो गया हाफ। नाउ ये रिलेशन जो है इसमें इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं, दैट इज द इक्वेशन टू। इस रिलेशन या इक्वेशन टू को यहां पर हम लोग यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाय यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर, किसके लिए, फॉर वन प्लस वाई प्लस डी बाई टू पाई डी का स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर कर दिए और इसका हाफ। इस पार्ट के लिए हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं एंड नेगलेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स, नेगलेक्टिंग द हायर ऑर्डर टर्म्स, हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे। तो ऐसे में अब ये रिलेशन कितना आ गया, दैट इज द वन प्लस वाई प्लस डी बाई टू दिस का स्क्वायर बाय, यहां लिख सकते हैं डी स्क्वायर लिख रहे हैं, और ये हो गया आपका इतना हाफ, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किया दैट इज इक्वल टू वन प्लस, यहां हाफ ले लेंगे इसका, और ऊपर हो गया कितना वाई प्लस डी बाई टू बाय, नीचे आ गया डी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर हो गया प्लस हायर ऑर्डर टर्म, ये यहां पर क्या मिल रहा है हायर ऑर्डर टर्म्स, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज हायर ऑर्डर टर्म्स। अब देखो यहां पे इसका मतलब हायर ऑर्डर टर्म्स को अभी आपने लिखा है कि नेग्लेक्ट करना है, तो क्या बचा हमारे पास, जो रिलेशन बचा उसको देखो यहां पे लिख सकते हैं। अब ये रिलेशन हमारे पास आ गया दैट इज द वन प्लस वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, यहां पर हो गया हाफ, दैट द हाफ बाई टू इज इक्वल टू, यहां भी आप लिख दिए वन प्लस y प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर बाई टू डी,
क्योंकि हायर टर्म्स को आपने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये पार्ट हमारे पास बचे। अब इसको यहां पर ले लेंगे यूजिंग दिस रिलेशन नंबर 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी हैव अब देखो यहां पे बात कर रहे हैं, इसके जगह पे अब आप बैठा दिए तो S2P का वैल्यू कितना आ गया, S2P इज इक्वल टू D आप यहां रखे हैं और इनके जगह पे पूरे के जगह पे इसके जगह पे अब इसको बैठा देंगे 1 प्लस वाई प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर बाई 2D और ये रिलेशन बन गया। अब यहां से D को हम अंदर कर दिए तो S2P दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, डी अंदर चला गया तो ये डी प्लस यहां पर भी या डी आ गया तो यहां स्क्वायर था, यहां स्क्वायर है, यहां पर भी कितना आया, डी का स्क्वायर आया, ये स्क्वायर यहां भी कर दीजिए, यहां भी है तो ये हो गया, दैट इज द डी और डी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई प्लस डी वाई टू होल स्क्वायर बाय 2D स्क्वायर, यहां से डी स्क्वायर डी कैंसिल हो गया तो S2P का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं S2P That is equal to D plus Y plus D by 2 whole square by 2D और ये equation number 4 हो गया। Now similarly इसी तरह same process को use करते हुए हम लोग S1P को भी calculate कर लेंगे, लेकिन वहां पर Y जहां हम लोग Y plus D by 2 लिखे हैं वहां D by 2 क्या हो जाएगा, इतना पूरे पोजीशन से Y distance से पूरे से ये घट जाएगा। तो ऐसे में similarly हम लोग लिख सकते हैं Similarly, S1P is equal to D plus, यहां आ गया Y minus D by 2, whole square by 2D, और ये हो गया equation number 5. अब देखो यहां पे, ये इन दोनों को हमको कहां बैठाना है, equation 1 में, ठीक है, और सिंपल वे में हम इसको कैलकुलेट किए। अभी एक मेथड आपने यूज कर रहे हो, मैं इसके बाद दूसरा मेथड भी बताऊंगा जो इससे भी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो ऐसे में यहां पर हम दोनों को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं 4 और 5 को, सब्स्टिट्यूटिंग 4 and 5 इन इक्वेशन वन में इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिए तो कितना आ गया, तो डेल्टा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, जो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आप कंसीडर किए दैट इज इक्वल टू यहां पर आ गया डी प्लस वाई प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर बाय 2D माइनस, अब इसका वैल्यू रख दो, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इतना हो गया ये एक पार्ट माइनस दूसरे पार्ट को आप लिख रहे हैं डी प्लस वाई माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर बाय 2D और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी और डी कैंसिल हो जाएगा यहां पर से और 2D एलसीएम हो गया। तो यहां पर सॉल्व करके देख लीजिए, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ये हो गया डी प्लस यहां कितना हो गया वाई प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर बाय 2D इतना यहां पे माइनस कर दिए तो ये हो गया माइनस डी अगेन माइनस तो ये हो गया वाई माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर बाय 2D। देखो अब यहां से ये डी और डी कैंसिल हो गया, यहां 2D एलसीएम ले लिए, ठीक है, तो और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस है इधर प्लस है, माइनस माइनस टर्म कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको पूरे तौर पे लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहां लिखने के जगह बेटर है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यहां क्या कर दिए वाई प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर बाय 2D। ये रिलेशन हमारे पास है, अब इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तब तक आप इसको नोट कीजिए देखिए और अभी फिर आगे देखते हैं। देखिए यहां पे अब ये क्या है डेल्टा एक्स, अब यहां लिख रहे हैं पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधा सीधी वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू वाई यहां लिख सकते हैं वाई बाई डी बाई टू इतना आ गया, ये एक टर्म हो गया वाई प्लस
डी बाई टू का माइनस यहां पे लिख रहे हैं दैट इज द वाई स्क्वायर प्लस डी बाई टू, यहां पर भी हो गया होल स्क्वायर माइनस टू वाई डी बाई टू। ये हो गया रिलेशन और नीचे आ गया जो एलसीएम आपने लिया 2D। पाथ डिफरेंस आप निकाले यहां पे, दिस इज द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दिस मच। अब यहां पे ये माइनस अंदर कर दो तो ऐसे में रिलेशन कितना आ गया, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस अंदर करेंगे तो एस डायरेक्ट यहां हम लिख दे रहे हैं वाई, यहां माइनस करोगे ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम प्लस के हिसाब से यहां से टू और टू कैंसिल कर दिए, यहां से भी टू टू कैंसिल कर दिए तो कितना आ गया यहां पर सीधा सीधी आ गया टू वाई डी, 2yd, दो यहां पर यहां प्लस और प्लस 2yd by 2d, that is equal to 2, 2 again cancel, so ये yd by d, ये equation number कितना हो गया, that is the sixth, माने path difference आपने निकाल लिया, ठीक है। ये आप कब कैसे यूज किए, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करके उसके हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके और बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करके निकाले। अब एक और आसान मेथड बता रहे हैं, उसको यहां तक आप देख लीजिए, पाथ डिफरेंस ले लिए, तब जाके हम ब्राइट और डार्क में जाएंगे। लेकिन देखो अभी इसी पाथ डिफरेंस को दूसरे मेथड से देख रहे हैं कैसे, यहां पर मान लेते हैं सपोज करो कि S1 और S2 जो दो कोहेरेंट सोर्सेज है उसका उसके बीच का दूरी बहुत ही छोटा है, कह सकते हैं द डिस्टेंस d इज वेरी स्मॉल। यहां पर कंडीशन ले रहे हैं सेकंड केस के लिए, सेकंड वे ऑफ सेकंड मेथड बोल सकते हो, सेकंड अंडरस्टैंडिंग यहां पर बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि दैट इफ, या बोल सकते हो यहां सेकंड मेथड ले रहे हैं, सेकंड मेथड मेथड टू फाइंड कोई पाथ डिफरेंस ठीक है, जो आपने निकाला डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई डी, इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सेकंड मेथड से, इसको निकालने जा रहे हैं। और ये क्या क्या बात आप एज्यूम कर रहे हो, कि मान लेते हैं पहला केस आपने यहां देखा, पहले यहां पे समझो बात को कि S1 और S2 द टू पॉइंट सोर्सेज, टू कोहेरेंट सोर्सेज आर ऑफ वेरी नैरो एंड वेरी क्लोज टू इच अदर, दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक है, इस तरह नजदीक है कि d जो डिस्टेंस है वो स्क्रीन से काफी छोटा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इफ मान लो कि दैट d इज लेस देन कैपिटल d, स्क्रीन का डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट इज मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज S1 एंड S2, तो ये आपने कंडीशन पहला रखा। दूसरी बात क्या ले रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस क्योंकि बहुत बड़ा है तो यहां से तीन पॉइंट जो आप ले रहे हैं कंसिडर कर रहे हैं S1, C, S2, ये तीनों पॉइंट से जो वेव वहां पर पहुंच रहा है दे आर मेकिंग द एंगल ऑफ वेरी स्मॉल एंगल दैट इज द थीटा एंगल। तो ऐसे में ये तीनों वेव्स जो जा रहा है, दिस थ्री वेव्स आर वेरी क्लोज एंड पैरेलल, ये तीनों पैरेलल मूव कर रहा है टू दैट ऑफ द पॉइंट। क्यों, क्योंकि डी बहुत दूर होने के कारण यहां पर ये तीनों पैरेलल ऑलमोस्ट पैरेलल है। कैसे देखेंगे तो इस तरह देख सकते हैं, यहां पे एस वन हो गया, यहां पे सी हो गया और यहां पे D हो गया, S2 हो गया। और सपोज करो कि बहुत दूर पे कहीं हम लोग ले रहे हैं P पॉइंट, यहां ले रहे हैं ठीक है, बहुत दूर, तो यहां से भी आप लगभग पैरेलल जा रहा है, यहां से भी लगभग पैरेलल जा रहा है ठीक है। तो जो एंगल आपने यहां पे लिया थीटा एंगल, सेम एंगल हम यहां भी ले रहे हैं थीटा एंगल, सेम एंगल यहां भी ले रहे हैं थीटा एंगल। क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पॉइंट जो है वो काफी डिस्टेंस पे है। यहां पे इसको अगर हम हटा दें यहां से और बात को समझे कि ये डिस्टेंस जो आपने लिया है, जो डिस्टेंस आप ले रहे हो सोर्स टू द स्लिट दैट इज वेरी फार, बहुत दूर पे कहीं पर है, बहुत दूर कहीं पर है, तो ऑलमोस्ट ये क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, दीज आर पैरेलल, ये सभी क्या है, पैरेलल है फॉर दैट ऑफ दिस ठीक है डिस्टेंस। तो जब ये पैरेलल है, ऐसे में जो आपने डिस्टेंस ले रहे हो डी, ये एंगल बहुत छोटा एंगल हो गया। यहां पर हम कंसिडर कर लेंगे कि दैट थीटा एंगल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा दैट इज द एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल,
और एंगल अगर बहुत छोटा है तो ध्यान में रखना है कि इसके द्वारा जो कैरेक्टर बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो ये जो रिलेशन यहाँ पर से आपने देखा, ये डी डिस्टेंस है और ये वाई है, ये दो जो पोजीशन हो रहा है वो पोजीशन कैसा है थीटा एंगल के साथ है, साइन फैक्टर अगर लेते हैं तो साइन फैक्टर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाएगा, और टेन लेते हैं तो दैट इज द परपेंडिकुलर बाय बेस, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम अगर थीटा वैल्यू बहुत छोटा है तो साइन ऑफ द थीटा एंगल इज इक्वल टू द टेन थीटा, ऑलमोस्ट सिमिलर कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं, इट इज वेरी क्लोज, ठीक है, क्योंकि यहां पे थीटा वेरी स्मॉल आपने कंसिडर किया, इट इज द टेंजेंट टू द पॉइंट, टेंजेंट टू द पॉइंट है, इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत छोटा है। अब देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखो यहां समझो कि ये दो स्लिट आपने लिया, अब हम इसी बात को यहां समझा रहे हैं कि S1 और S2 आपने स्लिट लिया है और यहां से एक वेव निकल रहा है, जहां से आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहां से भी एक वेव निकल रहा है, दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये भी पैरेलल जा रहा है, ये भी पैरेलल जा रहा है, और यहां आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर एन, और इनके बीच का डिस्टेंस आपने कितना लिया है, इट इज द डी। तो अगर यहां परपेंडिकुलर है तो इधर भी परपेंडिकुलर हो गया, इट इज 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये अगर यहां से बात कर रहे कि यहां थीटा बना रहा है, यहां थीटा बना रहा है तो ये एंगल कितना हो गया, दिस इज द 90 माइनस, यहां पर आप ले रहे हैं थीटा है तो ये इसके साथ अगर लेते ये डिस्टेंस डी है तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज द थीटा यहां बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये हुआ ज्योमेट्रिकली, आप समझ रहे हो बात को, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहां थीटा इसके साथ है, यहां भी थीटा आप देख रहे हैं, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो गया। अब ये थीटा एंगल अगर हम निकालना चाहते हैं, थीटा एंगल यहां निकाल रहे हैं तो थीटा एंगल क्या हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, तो साइन आप वैल्यू ले रहे हैं और टेन को भी लेंगे, टेन के लिए भी कंडीशन आपके पास है, तो अगर हम यहां साइन का वैल्यू लेते हैं तो साइन ऑफ द थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दैट इज द पाथ डिफरेंस, तो हम यहां लिख सकते हैं डेल्टा एक्स वाई, ये डी हो गया, इसको एक रिलेशन मान लिए वन, देखो यहां से क्लियर बात समझो, ठीक है, परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया है तो ये भी 90 हो जाएगा, और यहां एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल थीटा है, दिस इज ऑल्सो द एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा है, ठीक है, तो यहां भी एंगल कितना आया, थीटा आया, तो अब ये वैल्यू आपने निकाला, अगर हम टेन लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, सो टेन थीटा इज इक्वल टू, अब देखो कहां से टेन थीटा लिए हैं, साइन थीटा के लिए आपने कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन है, S1 S2 S1 एंड S2, और टेन थीटा के लिए कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ट्रायंगल देखो यहां पे दोनों बराबर है, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका COP, सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, अब परपेंडिकुलर कितना है, वाई है, बेस कितना है, डी है, तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स ओपी बाय सीओ, और इसी को आप लिखेंगे tan थीटा दैट इज इक्वल टू वाई बाय डी, और ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। अभी आपने कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग वन एंड टू वी गेट कितना आ गया, तो पाथ डिफरेंस आपको मिल गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वाई डी बाय डी। देखो ये तीन नंबर आप इस तरह भी मेथड से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, कंडीशन आपने लिखा डी इज वेरी लेस देन कैपिटल डी, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट, और थीटा एंगल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो ऐसे में साइन एंगल थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, दोनों कंडीशन आप फॉलो किए, और इस तरह कौन कौन ट्रायंगल लिए वो भी मैं यहां लिख दिया हूं, किस किस ट्रायंगल को आप कंसीडर किए, आप डायरेक्ट भी पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। पहले चीज में आपने पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा बायनोमियल एक्सपेंशन को यूज करके निकाले, दूसरा यहां पे स्मॉल एंगल और फार डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए आपने यहां पे पाथ डिफरेंस निकाला। अब देखो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखेंगे, इसको देखें
देखिए आप लोग, इसके बाद ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, पोजीशन ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखिए ना, पोजीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस। अभी हम लोग पढ़े कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा, और ऊपर अभी आप एक रिलेशन निकाले बाय दिस, और इस रिलेशन को आपने इक्वेशन नंबर 6 माना था। तो अभी हम इस दोनों रिलेशन को इक्वेट करने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्टिव दिस वन। सो ऐसे में ब्राइट फ्रिंजेज कहां कहां आएगा ये हमको मिल जाएगा इक्वेटिंग द एबव 6 and 7, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 6 and 7। तो ऐसे में आप लिख सकते हो कि दैट वाई डी बाय डी दैट इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहां से इस रिलेशन से हम y निकाल सकते हैं, और n मतलब यहां पर आ गया y इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और जो ये इक्वेशन नंबर 8 आया, यहां पे n का वैल्यू रखेंगे, n इज द इंटीजर, n क्या है, इंटीजर है 0, 1, 2 and so on। इस तरह करके आप देखते जाएंगे तो y का डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेगा। तो डिफरेंट वैल्यूज क्या मिलेगा, y अगर n अगर 0 लेते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 0, यहां लिख दे रहे हैं n इज इक्वल टू 0 अगर आप कंसीडर करते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 0, सो y 0 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पहला पोजीशन आपका y 0 पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, क्योंकि हम लोग पोजीशन ऑफ द ब्राइट ले रहे हैं, तो सेंटर मैक्सिमा दैट इज द ब्राइट b आप यहां पे लिखे हैं, ठीक है। और अब आगे बढ़ रहे हैं कि n इज इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो y 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया लैम्डा d बाई डी, और इसको इक्वेशन आपने कहा कंसीडर किया लैम्डा d बाई डी, मींस 1 लैम्डा के पास d और d दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, स्लिट का डिस्टेंस कांस्टेंट है और द स्लिट टू द स्क्रीन इन दोनों का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं और लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज कि y इज इक्वल टू, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा के दूरी पर आप बात कर रहे हैं। अब लैम्डा 1 होगा, लैम्डा 2 होगा, तो आप यहां से लेकर के यहां तक का फर्स्ट, जो आप यहां से लेकर के सेकंड ब्राइट तक का कितना डिस्टेंस आ गया, दैट इज द लैम्डा डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं वो 1 लैम्डा का हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो n इज इक्वल टू अगर 2 कंसिडर करते हैं तो y फॉर द 2 ये कितना हो गया, तो ट्वाइस लैम्डा d बाई डी। फिर आप देख रहे हैं कि मैंने आपने एक जनरल रिलेशन लिख दिया, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, कौन कौन सी कांस्टेंट है, तो d स्मॉल d एंड d ये दोनों क्या है, दीज आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो इसका मतलब पोजीशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे, और फर्स्ट वेवलेंथ पे, फिर एक वेवलेंथ पे फिर ब्राइट आया, फिर दूसरे वेवलेंथ पे फिर ब्राइट आया, जो आप यहां देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह करके आप यहां पे बनाया हुआ है कि ब्राइट एट द सेंटर, फर्स्ट लैम्डा में फिर 1 लैम्डा में फिर ब्राइट हो गया, फिर सेकंड लैम्डा 2 लैम्डा जब आप ले रहे हैं यहां से यहां तक, दैट इज द 2 लैम्डा, जब आप यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आपने 2 लैम्डा कंसीडर किया, फिर आपको मिल रहा है, ठीक है, ब्राइट। तो ये एक जनरल केस बन गया, और इसी को हम अगर n टर्म्स फॉर n लेते हैं, n पे आपने निकाला y फॉर द n दैट इज इक्वल टू n लैम्डा d बाय d, और एक और लिखते हैं n प्लस 1, 1 ले लिए तो यहां हो गया n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू लैम्डा d बाय d। ये रिलेशन आपका पोजीशन से आ रहा है, जैसे जैसे आप लैम्डा पे जाते जा रहे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो ब्राइट ब्राइट अगेन ब्राइट अगेन ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके पास आया, इसको देखिए। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इस फ्रिंज के साथ, अगर विड्थ अगर देखते हैं तो मतलब दो ब्राइट बैंड का सक्सेसिव ब्राइट जो आपका आ रहा है मैक्सिमम, उस ब्राइट के बीच का विड्थ कितना है, चौड़ाई कितने है, तो विड्थ ले रहे हैं दैट इज फॉर द ब्राइट फ्रिंजेज, ठीक है, विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज फ्रिंजेज। तो फॉर टू सक्सेसिव विड्थ ले रहे हैं दैट इज बी इज इक्वल टू, अब यहां पर y का कोई भी दो सक्सेसिव रिलेशन ले लो, तो अगर हम यहां ले y n प्लस 1 माइनस y n,
और इसको आप लिख दीजिए b इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन, यहां पर आपने लिखा n प्लस वन लेमडा d बाई डी माइनस यहां पर आ गया n लेमडा d बाई डी। और देखो यहां पे दो टर्म यहां पर है n लेमडा d बाई डी और n n कट जाएगा, सो एक पोजीशन बच जाएगा दैट इज बीटा, दैट इज द फ्रिंज विड्थ, इसी को हम क्या कहेंगे फ्रिंज विड्थ, विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस है। तो ऐसे में ये वैल्यू कितना आ गया लेमडा d बाई डी, और ये रिलेशन आपका नाइन नंबर रिलेशन आ गया दैट इज द नाइन। तो हम लोग किसके लिए देखे पोजीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज देखे, अभी हम लोग देखेंगे पोजीशन फॉर द डार्क फ्रिंज और फ्रिंज विड्थ भी उसके साथ ही निकालेंगे। नाउ सी द पोजीशन फॉर द डार्क फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज करने के लिए फिर यहां पर पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दैट इज इक्वल टू आपने लिया था 2n प्लस 1 और यहां हो गया दैट इज द लेमडा बाई 2। अब इस रिलेशन को और इसको अगेन हम मान लेते हैं, यहां पर 9 आया था, इसको हम सपोज करो कि 10 रिलेशन मान रहे हैं। अब इस जगह पे अगर हम बात करें 10 रिलेशन को, दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग 6 एंड 10, तो ऐसे में हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना हो गया, तो यहां पर भी आप लिख सकते हो y स्मॉल d बाई डी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 बाई दिस। अब यहां से d को ऊपर कर दिए तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और हो गया लेमडा d बाई 2d। ये जनरल रिलेशन बन गया, दिस इज द जनरल रिलेशन फॉर द पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंजेज। डार्क कहां कहां है, तो डार्क ब्लैक करके दिखा रहे हैं दैट इज द डार्क पोजीशंस, ठीक है। तो डार्क पोजीशन आप कैसे ले रहे हैं, तो ये रिलेशन नंबर 11 जो आप देख रहे हैं फॉर द डार्क ले रहे हैं। अब यहां पर फिर n जो है, n इज द इंटीजर, अब इस n को आप यहां लिख सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, इस तरह आगे की ओर ले सकते हैं। तो y फॉर द जीरो अगर हम कंसीडर करते हैं, n जीरो कर रहे हैं, तो ये पोजीशन हमको क्या मिल रहा है y n जीरो कर रहे हैं, n इज इक्वल टू जीरो, सो y जीरो इज इक्वल टू कितना आ गया यहां पर आ गया दैट इज द लेमडा d बाई टू डी। अगेन वही बात कह रहे हैं कि यहां पर भी हम देख रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ द y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, बिकॉज यहां पर क्या है d एंड 2d दोनों ही कांस्टेंट है, 2d भी कांस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो अगेन फिर यही बात आ रहा है कि लेमडा पे फिर नेक्स्ट लेमडा पे इस तरह करके हमको डार्क 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 मिलेगा। अगर हम यहां पे ले लें एन इज इक्वल टू वन, तो ये हो गया वाई फॉर द वन इज इक्वल टू कितना हो गया एन के जगह पे रख दिए वन, तो ये हो गया थ्री लेमडा डी वाई टू डी। और आगे बढ़ गए और इसको अगर हम यहां दिखाते हैं n इज इक्वल टू टू कंसिडर करते हैं y फॉर द टू दैट इज द फाइव लेमडा d बाई डी टू डी। इस तरह करके अगर हम फॉर n टर्म्स के लिए ले रहे हैं, n के लिए कंसिडर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 यहां पर आ गया 2n प्लस 1 लेमडा d बाई टू डी। और n y अगेन हम n प्लस 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो यहां प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना वैल्यू आ गया दैट इज द 2n प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया लेमडा d बाई टू डी। अब यहां से फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा दैट इज द 2n प्लस 3 इंटू लेमडा d बाई टू डी। अब यह विड्थ निकालना है, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंजेज, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंजेज यहां से हटा दे रहे हैं नीचे फॉर डार्क फ्रिंजेज, डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए अब हम बात कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों को कंडीशन मान करके दैट b इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ जिसको आप बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द y n प्लस 1 माइनस वाई एन, अगेन आप इस वैल्यू को पुट कीजिए एंड यू विल फाइंड द सेम रिलेशन, वही रिलेशन आपको मिलेगा जो आप यहाँ पे विड्थ का कंडीशन हमारे पास जो पहले आया था ब्राइट के केस में वही आ रहा है यहाँ पर भी। तो 2n प्लस 3 लेमडा d बाई 2d माइनस 2n प्लस 1 लेमडा d बाई 2d, यहां देखो 2d ये हो गया ये भी 2d हो गया।
इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लैम्डा और 2n वाला माइनस हो गया, यहाँ पर भी एक माइनस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी रिलेशन क्या मिला, 2 लैम्डा d/d। सो यहाँ पर भी बीटा जो आपका फ्रिंज विड्थ मिल रहा है 11 और 12 जो आप देख रहे हैं ये सेम है, मतलब हर एक लैम्डा के दूरी पे डार्क फ्रिंज भी बन रहा है, 1 लैम्डा अगेन, फिर 2 लैम्डा पे फिर अगेन, और लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव कंडीशन को आपने फॉलो किया। ये था आपका रिगार्डिंग द ब्राइट एंड डार्क पोजिशन ऑफ द फ्रिंजेस।